पति के लोटा में पानी जैसे दे दिए सर, जैसे ही होने से देखते हैं कि पूरा मियाँ लाठी लेके हम पति के मारने लगे, टूट गया। हमको पति के पते नहीं है कि कहाँ ले गए, खींच के अपहरण कर दिए कि मार दिए। जब हमको वही खानी सोचना चाहिए कि हमको पति के बुला के ला दीजिए। अभी तक आपके पति का पता नहीं? हम 6-1 बजे रात के हमको बड़ा बाबू लेके आ गए थाना में। 1 बजे हम थाना में बैठे हैं, और घर पर फोन करते हैं तो कोई कहबे नहीं करते बाल बच्चा कि घर में आ पापा। एप्लीकेशन डाल के दिए जो मैडम थे जो बिक दिए कि लेके जाओ जो कुछ नहीं होगा इसे। फिर एगो चौकीदार थे जो बोले कि का हुआ जो रख लीजिए, तो फिर घुरा के फिर फेंक के फिर रख लीजिए कागज के रख लीजिए, बोल जाइए कुछ नहीं होगा कागज से। हाँ अब कह रहे हैं मैडम कि कुछ नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम गरीब आदमी है आए हिचमार लोग हमें 10 घर 4 घर तक का करें, हम मुस्लिम लोग रुपये वाला तू लोग देकर कैसे काम करवा रहे। दोस्तों पूरे बिहार नहीं पूरे देश भर में सबको पता है कि किस तरीके से पूरे दलितों के ऊपर जो है तांडव हो रहा है, और तांडव करने वाले दलितों के ऊपर जो है सबसे ज्यादा ओबीसी है और जनरल कास्ट के लोग हैं। लेकिन आज आपको बता दूं कि जहां पर हमारी मौजूदगी है बिहार के नालंदा जिला के इस्लामपुर थाना के थाना परिसर में है, और एक ऐसा दलित एट्रोसिटी के दोस्तों आपको खबरें आज दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज़ादी के 78 साल बाद भी दलितों का शोषण जो है और दलितों के ऊपर तांडव मुस्लिम जाति के लोग भी करना शुरू कर दिए हैं। पूरी बात ये दलित महिला बताएंगी। क्या नाम हुआ आपका? रजमंती देवी। रजमंती देवी हाँ। कहाँ से आई हैं आप? कपासिया से आए हैं। कपासिया से क्या मामला है आपके साथ? मामला यही है सर कि हम 30 तारीख हमको पति जी जा रहे थे कन्हू घर से 6 बजे सवेरे, यहाँ पर एगो दाऊद है मुस्लिम, एगो सोफियान है और एगो अनवर मियाँ है। ये तीनों चारों मिल करके हमको पति के पूछे लगे कि आई हो जाय थी बिहारू मियाँ के लूटा जाय थी कि अनवर मियाँ के लूटा जा रही है आये तुम बोली बोल रहे थे। हाँ हाँ बोल रहा था तो ये बांस चढ़ करके और चल गया। फिर हमको पति शाम के 6-7 बजे फिर उनसे लौट गए, तो फिर वही दाऊद सफियान अनवर मियाँ वही तीनों चारों फिर बोल रहा है कि आई और किसका लूट के आ गई है जो अनवर मियाँ के लूटे हैं कि बिहारू मियाँ के लिए डके बीघा लूट के तुम चला ला रहे हैं। हमको पति चुपचाप घर चल आए, फिर बिहानी होकर के जो भैंस लेकर के आ रहे थे 6 बजे शाम में 1 तारीख को, 1 तारीख के 6 बजे शाम में आ रहे थे तो बढ़तर के बढ़ के पास आए तो हमको दुगो से गए तो भैंस लेकर तो दोनों आपस में बात करते आ रहे थे कि देखी ना यार जो हम लोग ऐसे ऐसे फाना अनवर मियाँ सफियान और दाऊद हमको कह रहा था जो हम कुछ नहीं बोल पाए जो हम सुन के रह गए जो उन लोग के का जरंती है जो हम जाते हैं तो हम लोग के पूछता है टोकता है। अच्छा। हमको रजेश जी पति बोले इतना में बिहारू जी आए बिहारू जाए तब वही हो जो दाऊद कलर पकड़ लिया और सफियान लाठी पकड़ लिया उसको मारने के लिए, तो हमको कहा पति की छोड़ो ना जैसे कहो हम तो आपस में बात बोलते जा रहे हैं तुम लोग से बात नहीं है जिस हट जाइए। हाँ। तो गया बिहारू मियाँ तो बोलका ऐसे कहले हो जो तू अपन घर जो आई अपन सब घर जाता हम पति के लेकर के चल आए घर कि चलिए छोड़ दीजिए से हम बात बोलते हैं तब बोलने दीजिए। हमको 4 घर है चमार है और मुस्लिम है 70-80 घर है मुस्लिम। अच्छा। और 4 घर के हमको 80 घर समझ सकते हैं सर जो हम लोग के दबाव था हम पति के ला के कहे की लाओ पानी पिए ला चरमुही रास्ता हमको दरवाजा पर है पति के लोटा में पानी जैसे दे दिए सर जैसे ही होने से देखते हैं कि पूरा मियाँ लाठी लेके हम पति के मारने लगे टूट गया। अच्छा। बाल बच्चा तनिक लोग 3-4 साल को सबके हटाते देखिए हाथ पर मारा जो हाथ नहीं उठ रहा भी मारा लो। हमको भी मारा आई देखिए पखरा पर मारा आ पति के हमको घींच के ले दक्षिण पूर्वारी गली में लेके चल गया। हमको पति अभी तक नहीं मिला है 12-24 घंटा होवे जा रहा सर हमको पति नहीं मिल रहा है हमने 4 गो के मारा है अथी चमार बहुत गाड़ी खराब खराब दिए हैं लाठी कर देंगे पहना पहना देंगे खूब हम लोग का चमार के 4 गो चमार के हम समझ नहीं पाएंगे सबको हम मार के जाके देखिए मेरा घर में आपके घर पर घुसे मारपीट करने लगे और गाली गलौज भी गाली करने गलौज तो गाली में क्या गाली दे रहे थे गाली में पूरा ईटा से हमको घर भर जाति का भी नाम ले रहे थे चमार नाम लेता सीधे हम लोग तो 4 घर हैं तो डरबे नहीं करेंगे सर 80-70 घर से मियाँ लोग से कि हम लोग बद अथी टाइट हो जाएंगे आप लोग बताइए
आपके साथ भी मारपीट किया गया। हमको भी मारा है दो लाठी। तो सब लोग जेंट्स ही लोग थे? हाँ, ओखने के खाली जेंट्स। सफियान मारा है, ममताज मारा है हमको दो लाठी। हमको पति के खींच के लेके चल गया पूर्व वाला गली में। अभी गोतनी के देखे मारे माथा पर दो लाठी, दूध ने सीरा कैसे होने। कितनी संख्या में था? कम से कम तो 50 को है मारने वाला लाठी, 50 लाठी है। अब हमको घर है एक थोड़ा सा, एक ताला घर है, उन लोग घर दो ताला है, दुनिया के है मियाँ लोगों के है। दोनों पर ईटा जरिया के मारते मारते हम घर जाके देखे सर ईटा से घर का हमको भर दिया है। कमाड़ी खोल के हाथ पकड़ के खींच ले जा रहा था सर मारने के लिए, तब जा करके सबको बतनी घर में फिर खींचा जबरदस्ती। कमाड़ी में कौन भरती है? हॉस्पिटल में भरती है, मेरा जाओ तो भरती है, राजगीर में भरती है। बच्चे की स्थिति है उनकी? उसको बच्चे की स्थिति नहीं है, नाक का कान और मुंह दिया ब्लेड चल रहा है। बड़ा बाबू गए फोटो खींचे, उसको से बात लिए चल आए हैं। आपके पति कहाँ हैं? हमको पति के पते नहीं है कि कहाँ ले गए, खींच के अपहरण कर दिए कि मार दिए। जब हमको वही खानी सूचना चाहिए कि हमको पति के बुला के ला दीजिए। अभी तक आपके पति का पता नहीं? हम 6:00 रात के हमको बड़ा बाबू लेके आ गए थाना में। 1:00 हम थाना में बैठे हैं, घर पर फोन करते हैं तो कोई कहवे नहीं करते, बाल बच्चा की घर में आप आए हैं। तो थाना में आई तो केस रजिस्टर्ड हुआ? पाथी करके दिए, अप्लीकेशन डाल के दिए, जब मैडम थे जब बिक दिए कि लेके जाओ, जब कुछ नहीं होगा इसे थी। फिर एगो चौकीदार थे जब बोले कि का हुआ, जब रख लीजिए, तो फिर घुरा के फिर फेंक के फिर रख लीजिए कागज के, रख लीजिए, बोल जाइए कुछ नहीं होगा ये कागज से। हाँ, अब कह रहे हैं मैडम कि कुछ नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम गरीब आदमी है आए अही चमार लोग, हमें 10 घर 4 घर तो क्या करेंगे, मुस्लिम लोग रुपये वाला तू लोग देकर कैसे काम करवा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं आज। ठीक है, आपके घर पर अटैक हुआ तो इसका वजह क्या? कुछ तो वजह होगा ना, क्योंकि किसी का दिमाग ऐसे कैसे सनकेगा और आपके घर पर अटैक कर देगा, क्या वजह है इसका? यही वजह है कि खेत के कागज कौन खेत जोत रहा है। हमको पति कह रहा है 2 महीना पहले से कि बोल तुम खेतवा छोड़ दो तो कागजवा दिखा दो। मतलब आपका खेत है और उस पर मुस्लिम जाति के लोग मुस्लिम जात जोत रहे हैं, तो हमको पति बोले कि खेत छोड़ दीजिए, जब कागज दिखाइए तो मुस्लिम लोग कहते हैं कि बोल तू कागज खोज के लाओ तो खेतवा हम छोड़वाओ, तो वही हमको पति दाग दुख करने लगा है, बस मार मार के अधुआ दिया। खाली वही कार बजा है कि तुम काहे कागज खोजने लगे लगे। तो आप लोग के पास कागजात है जमीन के? कागजात नहीं, आओ कुछ प्रूफ है, रसीद ना है, अथी नहीं है कागजात, अब प्रूफ है हमको पास। वो जमीन आपकी है? हाँ, प्रूफ से हम जमीन खोज रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको जमीन दे दीजिए, हम कागज निकालेंगे जमीन हम ले लेंगे, कागज ना निकालेंगे जमीन नहीं लेंगे। और जो मारपीट किया है आपके आप लोगों के साथ, उसके साथ क्या चाहती हैं? मारपीट करना उस लोग हम केस बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं आगे। दोस्तों क्या नाम है आपका? बेबी देवी, घर का खासिया। क्या है सच्चाई इस घटना की? इस घटना की सच्चाई है कि हम खाना बना रहे थे, एक बॉयलर आके हल्ला होने लगा, लाठी बाजने लगा, तो हम गए बाहर, तो गेट पर हमको बेटा कुणाल कुमार के मार रहे थे इन लोग। जैसे ही हम कुणाल कुमार के ऐसे करके पकड़े कि चलो अंदर, तो हमको भी दो लाठी मार दिए, सफियान मारे हैं, तो सफियान मारे, तो हम बेटा के लेके घर में चलाए और गेट लगाने, तभी हमको गेट पर एकदम ईटा से ठोक ठोक के केमारी के तोड़ दिए, सब घर अंगना में ईटा भर दिया। फिर हम लोग दूसरा के घर में लुके गए, वहाँ भी चले गए, कहा कि रुक रुक दूसरा के घर में, वहाँ छत्ता पर से ईटा फेंकने लगा फेंकने लगा, तो फिर हम लोग ये छत्ता पर से ईटा फेंकने लगा, मियाँ लोग भी गए, उतना रात में कितना लोग भी चढ़कर ईटा फेंक रहा। हाँ, तो बिगने लगा, तो हमने दूसरे के घर में लुके हुए थे, फिर निकले, तो जैसे निकले उसी हम लोग इधर आए, तो कुणाल कुमार ऊपर से मैंने देखा कि लड़ाई शांत हो रहा है, तो किताब कॉपी लेके बैठ गया पढ़ने के लिए। जैसे इन लोग गए उनको पकड़ के ले आए, ले आए तो हम लोग खोजने लगा, तो कहे कि पकड़ के ले गए गाड़ी में जे, तो फिर हम लोग कहे कि चलिए जे, तो हम लोग गाड़ी फिर गए, तो इन लोग घुरा दिए कि नहीं जे जाओ तुम लोग जे अबरी में ले जाएंगे। फिर 12:00-1:00 तक फिर हम लोग के बुला लिए कि चलिए इलाज करा के लौटा देंगे, पहुंचा देंगे। अब इलाज कराने के लिए आई तो 1:00 से ला के धैले धैले हमको इलाज हुआ 4:00, 4:00 के बाद अभी लग नहीं पहुंचाए इन लोग, पता नहीं चल पाया है, पता नहीं चल पाया। आपका मुंह फूला हुआ है क्यों? यहाँ लाठी से मारे हैं, हम अपना बच्चा का छोड़ाने के लिए गए कि बच्चा को पकड़ के ला रहे थे, फिर हमको फिर मारने लगा। हमको कुणाल कुमार यहाँ पकड़ के रखे हुए हैं, 16 साल का कुणाल कुमार है। अच्छा,
तो गाली गलौज भी आप लोगों को दिया गया है? गाली गलौज दिया, छेड़खानी करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग सहमत हो गए। गाली गलौज में क्या गाली गलौज? चमार चमैनी करके यही सब करके गाली इन लोग देते हैं, ज्यादा मियां लोग चमैनिया कहती है। तो यहाँ पर आई तो केस हुआ है, उन लोग का एफआईआर हुआ है, रजिस्टर नहीं हुआ है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं केस बढ़ाने के लिए, केस बढ़ाने के लिए। हाँ, तो देखिए किस तरीके से दलितों के साथ जो है एट्रोसिटी हो रहा है, और एट्रोसिटी दोस्तों कम होने का नाम नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात करते हैं, कहते हैं कि ये गठबंधन जो है पूरे देश भर में अगर एक साथ हो जाता है तो रंग लाएगा। लेकिन कैसे रंग लाएगा, जरा आप उम्मीद करिए कि इस दलित परिवार को बेवजह जो है इनके घर पर घुसा जाता है और मारपीट किया जाता है, और इनकी इज्जत को भी जो है इनकी इज्जत के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की जाती है, और ये सब कुछ दोस्तों इनके घर वालों के साथ होता है। और 50 की संख्या में बता रहे हैं कि मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं। तो आप जरा उम्मीद लगाइए और सोचिए कि जमीनी स्तर पर क्या है दलित और मुस्लिम गठजोड़ की सच्चाई।